तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 23 अगस्त 2020 रविवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण आज 12 में से 8 राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज सामान्य लाभ के योग हैं। तो आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी तिथि है, रविवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत चित्रा नक्षत्र से होगी और आज कन्या राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको पुराने घर के कार्य निपटाने का अवसर मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत से ही आज आप अपना कार्य सफल कर पाएंगे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में विरोधियों से आपको परेशानी थोड़ी आज हो सकती है। रोजगार के क्षेत्र में महिला मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका कथई कलर है। कथई कलर का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में शुद्ध जल गंगा जल लेकर के 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। पुरानी कोई समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए वरना आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कला व साहित्य के क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से व्यवसाय में आप अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्व दिशा में अपने पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके अपने इष्ट देवता का अधिक से अधिक नाम उच्चारण करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। प्रातः से ही आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। बुद्धि और अपने कौशल के प्रयोग से सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल पाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी आज वह समाप्त हो जाएगी। संतान पक्ष से भी संतोषजनक समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्व दिशा ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके उगते हुए सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, एक लाल पुष्प अर्पण करें और बैठ करके ओम दिवाकराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क।
कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय व राजनीतिक क्षेत्र में आज आपको प्रगति देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व मदद से आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं। आपका खर्च अधिक हो रहा है, इसलिए अपने खर्चों में कटौती करना आरंभ अवश्य करें। सरकारी क्षेत्र में आज आपको लाभ के प्रबल योग हैं। कला, क्रीड़ा व साहित्य के क्षेत्र में आ रही समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी और संतान से संबंधी समस्याएं भी आज दूर हो जाएगी। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और दिवाकराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में साहस व धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से आज आपको बचना चाहिए वरना आपका नुकसान आज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रगति की बहुत संभावनाएं रहेंगी और व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आज लेनदारियां वापिस आने का समय है। सायंकाल का समय यात्रा पर जाने के लिए ठीक रहेगा। आज माता पिता के आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं। तो आज आर्थिक पक्ष आपका उत्तम है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक जला करके उगते हुए सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। तो कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति आज हो सकती है, इसलिए केवल अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा और विद्यार्थी वर्ग को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। मन लगा करके मेहनत करेंगे तो सफल रहेंगे। परिवार में संपत्ति आदि को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। काफी दिनों से सुस्त चल रहे व्यापार में आशाएं आपकी बढ़ेगी जिसका आपको आगे चलकर भी लाभ मिलता रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और ओम भास्कराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन पराक्रम व धन में वृद्धि करावेगा। कोर्ट कचहरी या विवाद के मामले में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के शीर्ष पर आप रहेंगे। अचल संपत्ति, व्यापार आदि से लाभ के प्रबल योग हैं। संतान की सफलता से शुभ मन संतुष्ट रहेगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी उत्तम है। नए काम की शुरुआत आदि आप कर सकते हैं। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य देवता की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, लाल पुष्प अर्पण करें और गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें और बैठ करके ओम आदित्याय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज परिजनों और भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में मानसिक शांति बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय में आज आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। मन लगा करके काम करेंगे तो हर काम में सफल रहेंगे। आप परिश्रम व ज्ञान के बल पर सभी परेशानियों से मुक्ति पालेंगे और कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों पर नजर बनाए रखें, अन्यथा झूठे आरोपों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका क्रीम कलर है। क्रीम कलर का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन और लाल पुष्प रख करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करें, 21 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। संतान पक्ष से आज आपको हर्षवर्धक समाचार सुनने को मिलेंगे। नए नए खर्च निकल करके सामने आएंगे। क्रोध और वाणी पर संयम आज रखें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ आज आपको थोड़ी गति से मिलेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, इसलिए अनावश्यक लेन देन में आज सतर्कता बरतें। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मध्यम रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, मिठाई का भोग अर्पण करें और बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत्र का संस्कृत अथवा हिंदी में पाठ करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क बना पाएंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति कर पाएंगे जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको धन से संबंधित कोई प्रस्ताव दे तो उसको अस्वीकार आज कर देना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में नई ऊर्जा का संचरण होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता के योग हैं और पिता के सहयोग से आपको अपने व्यापार में अच्छा फायदा मिल पाएगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और बैठ करके ओम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि खर्च की अधिकता के कारण आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण बरतें। परिवार में कुछ ऐसी जरूरी कार्य आ सकते हैं जिससे आपको ज्यादा दौड़ धूप करना पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कार्य कुशलता से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आपकी लाइफ के लिए समय निकालना आज आपके लिए ठीक रहेगा। परिजनों का ध्यान रखें, सभी को महत्व दें तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक जला करके सूर्य नारायण भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और बैठ करके गायत्री महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। आपके शत्रु पक्ष आज परास्त रहेंगे। परिवार में आपके प्रति प्रेम व आदर की भावना अधिक रहेगी। कार्यों का बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन लक्ष्यों की सफलता से मन आपका संतुष्ट रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे।
जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे और परिजनों का सहयोग भी आज आपको मिल पाएगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और गुड़ घी की धूप अर्पण करें और बैठ करके ओम आदित्याय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।